हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र और आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये है टीबी किलर बैरल एग्जॉस्ट का। सामने बैरल एग्जॉस्ट का कैनन वर्जन 2 साइलेंसर है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये लीगल है नहीं, तो ये डीबी किलर यूज करने के बाद, डेसिबल किलर बोलते हैं इसको, जो साउंड को रिड्यूस करता है, पटाखा नहीं बजने देता है, उसके अंदर इसके अंदर यूज करूंगा एंड बताऊंगा इस मीटर से कि एक्चुअल में साउंड रिड्यूस होता है कि नहीं। बट जिस तरह से का शेप है लग रहा है कि साउंड रिड्यूस होगा, और कौन से एग्जॉस्ट में यूज करते हैं, प्रो एंड कॉन्स देखेंगे एंड बहुत सारी डिटेलिंग, कहां से बाय करते हैं, किस प्राइस से बाय करते हैं, तो मेक श्योर इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसको फिट करने से पहले और बिफोर आफ्टर का साउंड सुनाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस लाल बटन को ग्रे कर दीजिए एंड घंटा थोड़ा दबा दीजिए ताकि आपको मैक्सिमम ब्लॉग मेरी मिल सके। तो दोस्तों इसको फिट करते हैं, उससे पहले आपको साउंड दिखा देता हूँ, नॉर्मल साउंड कैसा आता है, फिर आफ्टर इसको फिट करने के बाद साउंड कैसा आता है वो भी बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब जल्दी इसको फिट करते हैं, दिखाता हूँ आपको इसका साउंड। उसके बाद फिट करना बहुत ही इजी है, जैसे आपको इसके अंदर डालना है और यहाँ पर एक एलन बोल्ट है, उसको एलन की से आपको टाइट कर देना है। As you can see, ये फिट हो चुका है। मैं इसका साउंड सुनाता हूं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने यहां फिट कर दिया है एंड साउंड 20% रिड्यूस है। बहुत सारे एग्जॉस्ट में लग जाता है, बैरल एग्जॉस्ट में तो लगता ही है, कैनन 2 वर्जन में जितने भी 2 इंच के डायमीटर वाले साइलेंसर्स हैं उन सभी में लग जाएगा इजीली। बाकी थोड़े बड़े मुंह के लिए अभी ऑप्शन नहीं है, बट इन फ्यूचर क्या पता कोई डीबी किलर आए। ये आपके सिटी में अगर चलान का ज़्यादा इशू है, ज़्यादा चेकिंग होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इससे आप थोड़ा टेस्ट करके थोड़ा टेंटेटिव आइडिया पड़ जाता है कि इफेक्ट कितना पड़ता है। जैसे 20% मैं रफली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा विंड भी चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा साउंड इसमें कैप्चर होती है, बट एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है फिर भी। एंड इसका कॉन के बारे में, डिसएडवांटेज ये है कि थंप जो है वो थोड़ा कम रिड्यूस हो जाता है। आप जब ज्यादा एक्सीलेटर करते हैं तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक जैसा जो रोर साउंड आता है वो हल्का सा इसके अंदर आता है, वो एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी 350 रुपीज में, 350 रुपए का है, हाँ जी, ये 350 में ये डीबी किलर वर्थ है। आप अपने फेवरेट एग्जॉस्ट जो हैं वो लगा सकते हैं, भले ही वहाँ पर चालान का इश्यू क्यों ना हो। जब भी आपका कोई पुलिस ऐसे पकड़े तो आपको दिखा सकते हैं कि उसमें मैंने डीबी किलर लगा रखा है, डीबी किलर प्रोडक्ट मैंने लगा रखा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आपको ये रिव्यू ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा कहाँ से आप इसको बाय करते हैं इजिली। 350 रुपीज मेरे हिसाब से सच में वर्थ है। MS का प्रोडक्ट है, शेप्ड है, थोड़ा R&D किया हुआ है। बैरल एग्जॉस्ट गुड ब्रांड जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनके एग्जॉस्ट भी यूनिक हैं, जैसे घोस्ट और ये देख रहे हैं स्कर्ट का। मैं प्लान कर रहा हूँ कि स्कर्ट आए, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि स्कर्ट जो है बैरल एग्जॉस्ट का, उसका रिव्यू करूँ। मैं श्योरली उसका रिव्यू करूँगा। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए एंड देखते रहिए बुलेट गुरु। बाय।